बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी मामलात से ऐसी खबर सामने आ गई कि पाकिस्तानी आवाम के भी होश उड़ जाएंगे। शहबाज शरीफ की नाराज़गी मरियम नवाज को तप्पड़ रसीद कर दिया, मामला और भी संगीन हो गया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने ख़ुद इन अफवाहों की तरतीद या तस्दीक करने की ज़रूरत महसूस नहीं की है, मगर सियासी ज़राए का कहना है कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के रोकने पर फ़िलहाल शहबाज शरीफ खामोश हैं। हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ को मामला नवाज शरीफ के सामने उठाने की यकीन दिनहानी कराई है। ये भी कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिकस्त के बाद मरियम नवाज अब कम से कम एक साल तक खामोश रहेंगी। नून लीग में दराड़ के हवाले से जब पार्टी चेयरमैन राजा जफरुल हक और सेक्रेटरी जनरल अहसन इकबाल, तर्जुमान मरीम नवर औरंगजेब और आज़म थारर से राबता किया गया तो चारों में से किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया और इस मामले पर खामोशी इख्तियार की। कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज के दरमियान मामलात इंतहाई संगीन हद क्रॉस कर चुके हैं, जिस पर शहबाज शरीफ मरियम नवाज से मिले और उनसे ये बात शेयर की कि हमजा शहबाज के साथ ये क्या हो रहा है, तो मरियम नवाज ने कुछ नाजेबा जवाब दे दिया, जिस पर शहबाज शरीफ ने अपनी बांजी मरियम नवाज को तप्पड़ रसीद कर दिया है। इस खबर की सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून में हल्ला मच चुका है और पाकिस्तानी सियासत में भी हल्ला मचने वाला है।